हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा फर्स्ट रोमांस के एपिसोड 16 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। ईफैन घर आ जाती है और लगभग एक वीक तक सोती ही रहती है। तो ईफैन के फादर उसे उठाकर ग्रॉसरीज लाने को कहते हैं। तो ईफैन डिंगमिंग को कॉल करके कंप्लेन करने लगती है कि उसके फादर उसे घर पर सोने ही नहीं दे रहे हैं। डिंगमिंग कहती है कि उसकी मदर भी उसे आराम से बैठने नहीं दे रही है। ईफैन कहती है कि सारे पेरेंट्स एक ही जैसे होते हैं। ईफैन ग्रॉसरीज खरीदने लगती है, तभी एक ब्यूटीफुल वुमेन आकर उसकी हेल्प मांगने लगती है। तो ईफैन उसकी हेल्प कर देती है। वो वुमेन ईफैन को थैंक्स कहती है। ईफैन उन्हें उनके घर तक सामान ले जाने में हेल्प करती है। तो वो वुमेन उसे इनवाइट करती है अंदर आने के लिए। तो ईफैन कहती है कि अभी उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे हैं। वो वुमेन कहती है कि वो लड़का बहुत लकी होगा जो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। वो वुमेन उसे बाद में घर आने के लिए इन्वाइट कर देती है। ईफैन सोचने लगती है कि क्या वो पहले उस वुमेन से मिल चुकी है, क्योंकि उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ईफैन डिंगमिंग से मिलने कैफे जाती है। ईफैन स्कूल स्टूडेंट्स को देखकर कहती है कि टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। कुछ वक्त पहले वो लोग भी स्कूल स्टूडेंट्स थे, पर अब वो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए हैं। डिंगमिंग कहती है कि वो कॉलेज लाइफ ज़्यादा इंजॉय कर रही है, क्योंकि कॉलेज में हॉलीडे होमवर्क नहीं मिलता है। ईफैन डिंगमिंग से पूछती है कि उसका हॉलीडे प्लान क्या है। तो डिंगमिंग कहती है कि वो दिन भर सोना चाहती है, पर उसकी मदर उसे ऐसा करने नहीं देगी, इसीलिए वो कहीं पर इंटर्नशिप करना चाहती है ताकि उसे उसकी मदर की किचकिच ना सुननी पड़े। ईफैन कहती है कि क्या वो भी कोई काम कर ले वैकेशन में। डिंगमिंग कहती है कि वो काम छोड़कर यनके पर ध्यान दे और वैकेशन में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। ईफैन कहती है कि वो वैकेशन में यनके से मिलकर उसका फैमिली टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। ईफैन मॉल में कुछ खरीद रही होती है, तो वो वुमेन उसे फिर से मिल जाती है और वो ईफैन को अपने घर ले जाती है और उसके लिए ड्रिंक्स लाने जाती है। तभी एक लड़का अंदर से आता है और अपने बाल सुखाने लगता है। जब वो पीछे घूमता है तो ईफैन उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो यनके होता है और वो वुमेन यनके की मदर होती है। यनके की मदर को जब पता चलता है कि ईफैन और यनके फ्रेंड्स हैं, तो यनके को वो कहती है कि उसने अब तक इतनी प्यारी फ्रेंड को इनवाइट क्यों नहीं किया था। यनके की मदर ईफैन के लिए कुक करने जाती है। ये टीवी ऑन करता है तो सारे चैनल्स पे किसिंग सीन चल रहा होता है, तो वो टीवी को बंद कर देता है। ईफैन यनके से पूछती है कि उसकी मदर काफ़ी सोशल पर्सन लग रही है, तो क्या वो अपने फादर की तरह है। तो यनके हाँ कहता है। यनके कहता है कि वो इस साल अपना वेकेशन अपनी मदर के साथ अकेले बिताएगा, क्योंकि उसके फादर बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। यनके ईफैन को फ्रूट्स खाने को देता है। ईफैन फ्रूट्स खाने लगती है, तभी किचन में कुकर में से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तो ईफैन उसे देखने जाती है, तभी कुकर फट जाता है और खाना उसके सर पे लग जाता है। तो यनके की माँ ईफैन को सॉरी कहने लगती है और कहती है कि वो खाना चढ़ाकर भूल गई। यनके आइस पैक लगाने के लिए देता है। ईफैन आइस पैक लगाने लगती है और अपने घर जाने लगती है। तो यनके उसे उसके घर छोड़ने जाता है। यनके ईफैन से पूछता है कि कहीं वो उसकी मदर को देखकर डर तो नहीं गई। ईफैन कहती है कि ऐसा नहीं है। यनके ईफैन को घर पर आइस पैक्स लगाने को कहता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ईफैन घर आ जाती है तो उसके फादर को लगता है कि वो किसी से फाइट करके आई है, इसीलिए उसे चोट लग गई है। तो वो कहते हैं कि अगर वो इसी तरह फाइट करती रहेगी तो कौन सा लड़का उसे लाइक करेगा। ईफैन कहती है कि उसे क्या पता कि कोई उसे लाइक नहीं करता। ईफैन के फादर पूछते हैं कि वो लड़का कौन है। तो ईफैन बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। ईफैन सपना देख रही होती है कि यनके उसे किस करने वाला है, तभी उसके फादर आकर उसे उठा देते हैं। ईफैन के फादर ईफैन को न्यू ईयर की सफाई करने को कहते हैं। ईफैन बेडशीट्स को सुखाने के लिए डालती है और कहती है कि उसे तो पता ही नहीं था कि यनके उसके नेबरहुड में रहता है। तभी वहाँ पे यनके अपनी बेडशीट सुखाने के लिए आ जाता है। यनके बेडशीट गलत तरीके से रख रहा होता है, तो ईफैन उसकी हेल्प करने लग जाती है। डिंगमिंग ईफैन को कहती है कि वो यनके को अगले दिन मिलने बुलाए। डिंगमिंग को कोई मैसेज करके न्यू ईयर विश करता है,
तो वो उसे मिलने बुलाती है डिनर के लिए। ईफैन यनके को मिलने का मैसेज कर देती है। न्यू ईयर ईव पे ईफैन के फादर उसके लिए डम्पलिंग्स बनाते हैं। ईफैन की फर्स्ट डम्पलिंग में उसे कॉइन मिलता है, तो उसके फादर कहते हैं कि उसका ये साल उसके लिए गुड लक लेकर आएगा। ईफैन को मैसेज आता है, तो ईफैन अपने फादर को कहती है कि वो डिंगमिंग के साथ सेलिब्रेट करने जा रही है। ईफैन स्कूल के रूफटॉप पर जाती है, पर वहाँ पे शाओ सोंग या फिर डिंगमिंग नहीं होते हैं, तो ईफैन उन्हें जल्दी आने का वॉइस मैसेज सेंड कर देती है। तभी वहाँ पर यनके आ जाता है। दोनों मिलकर फायर स्टिक्स चलाने लगते हैं। शाओ सोंग और डिंगमिंग छुप कर ये सब देख रहे होते हैं। यनके ईफैन को कहता है कि वो दोनों पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं उसके बर्थडे पे। ईफैन यनके को उस दिन के लिए सॉरी कहने लगती है। यनके ईफैन के क्लोज आने लगता है। तभी ईफैन को स्मेल आने लगती है, क्योंकि फायर स्टिक के कारण उसके कपड़े जलने लगते हैं। तो यनके उसका कोट उतार कर आग बुझाने लगता है। तभी डिंगमिंग और शाओ सोंग वहाँ आकर दोनों को न्यू ईयर विश करते हैं। शाओ सोंग और डिंगमिंग न्यू ईयर विश मांगते हैं। ईफैन न्यू ईयर विश मांगती है कि वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो जाए, और जिससे वो प्यार करती है वो हमेशा खुश रहे। यन के जैसे ही विश मांगने वाला होता है, तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिंगमिंग और शाओ सोंग फायरवर्क्स देखने लगते हैं। यन के ईफैन के क्लोज आकर उसे न्यू ईयर विश करता है और चीक्स पर किस करता है। तो ईफैन भी उसे न्यू ईयर विश करती है और दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करने लगते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।